हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट फोर में हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमें सब कुछ, एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज रखना चाहिए, हर किसी के लिए कुछ छुपाना नहीं चाहिए। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, कुछ भी, जितनी भी ज़रूरी बातें हैं वो छुपानी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, देर शुड बी अ सफिशेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ मटीरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रोप्राइटर्स, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। मतलब जो भी सफिशेंट डिस्क्लोजर हो सकता है इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, प्रोप्राइटर के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, वो सब हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसको आगे चल के क्या फेस करना पड़ सकता है, ये आपको दिख रहा है सामने, ये उसको फेस करना पड़ सकता है। अब हम करते हैं अक्रूअल अजम्पशन। बच्चों, अक्रूअल अजम्पशन याद रखना अकाउंट्स का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है। अक्रूअल अजम्पशन आप कह सकते हो कि अकाउंट्स की जान है, इसी पे टिका हुआ है अकाउंट्स। अकॉर्डिंग टू द अक्रूअल अजम्पशन, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। अब ये जो लैंग्वेज है, ये अकाउंट्स की लैंग्वेज पढ़ के बच्चों को समझ नहीं आता है, टेक्निकल लैंग्वेज है थोड़ी सी। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अगर एक क्लर्क है जिसकी सैलरी 1000 पर मंथ है तो उसकी वन ईयर की सैलरी 12000 बनती है। और बच्चों, अकाउंट्स हम लोग जो बनाते हैं वो एनम बेसिस पे बनाते हैं, पर एनम बेसिस पे। तो जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसमें हम जब सैलरी शो करेंगे उसकी, तो 12000 शो करेंगे, चाहे हमने उस क्लर्क को 12000 पूरी सैलरी नहीं दी है, पूरी दे दी है, हाफ सैलरी दी है या बिल्कुल नहीं दी है। अगर वो हमारे यहाँ काम कर रहा था लास्ट ईयर तो हमें पूरी सैलरी शो करनी है, चाहे हमने उसे पे की है या नहीं की है। ठीक है, इसे एक और तरीके से समझते हैं। सपोज ये इनकम के केस में भी ये एप्लीकेबल है अक्रूअल अजम्पशन, कि अगर हमें कहीं से रेंटल इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल 2000 पर मंथ, तो हमारे टेनेंट्स ने 3 मंथ्स का रेंट नहीं दिया है तो उसके हिसाब से 10 मंथ्स की हो गई 20000, बट हमें पूरे 12 मंथ्स की यानी पूरे साल की 24000 शो करनी है, चाहे टेनेंट ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। अगर पूरे साल टेनेंट थे हमारे उस जगह पे, उन्होंने यूज़ किया उस प्रॉपर्टी का, तो 24000 हमारी रेंटल इनकम बनती है और उसे हमें शो करना पड़ेगा अकाउंट्स में, चाहे हमें उसमें 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ है। बच्चों, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको। और जब गोइंग कंसर्न हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था। अब ये है क्या भला? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट, एन असेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, एंड द कॉस्ट इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द सेट, बट डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मस्ट बी कंसिडर्ड एवरी ईयर। अब इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस ने एक कार परचेज़ की है और फर्नीचर परचेज़ किया है, तो वो अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में, जिसे हम आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक्सपेंसेस की लिस्ट, अदरवाइज उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। तो एक्सपेंसेस की लिस्ट में वो ये एक्सपेंस नहीं लिखेगा कि उसने कार परचेज़ की थी 5 लाख की और 1 लाख की एसेट परचेज़ की थी, बल्कि वो अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में इस कार और इस फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन हुआ है, जो वैल्यू कम हुई है, वो शो करेगा। और सपोज़ इसने कार या फर्नीचर के अलावा एक बिल्डिंग भी परचेज़ की है या लैंड परचेज़ किया, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो जो एप्रिसिएशन हुआ है वो शो करेगा, डेप्रिसिएशन है वो शो करेगा, बट जो कॉस्ट ऑफ कार है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है, उसको एक्सपेंस की तरह शो नहीं करेगा। फिर वही बात जो हमने पहले पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन लग रही है, बिज़नेस तो हमेशा चलता रहेगा, तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म यूज़ होती हैं
उनके हम डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन शो करते हैं, उनकी कॉस्ट को हम एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, कैश मेमो, वाउचर्स एट्सेट्रा। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स, कैश मेमो, वाउचर्स एट्सेट्रा, इस पहले इसका मतलब समझते हैं कि वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कहता है कि बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब के हमारे पास प्रूफ होने चाहिए, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो ओरल बेस पे काम नहीं आएगा कि आपको याद है कि किसको कितना पे करना है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने होंगे, चाहे वो कैश मेमो, वाउचर्स हैं, बिल्स हैं, जैसे ये कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे कैश मेमो है, ये होटल का बिल है, ये पेट्रोल पंप का बिल, क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया उसका बिल। जब ये मैं बच्चों को समझाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर ये होटल का बिल कैसे दिखा सकते हैं, वो तो पर्सनल एक्सपेंस। बेटा, होटल का बिल उस केस में दिखा सकते हैं जब आपके एम्प्लॉयज़ ने जाके उस होटल में खाना खाया, तो वो आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कहता है कि जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी छोटा सा भी खर्च अगर आपने बिज़नेस के लिए किया, याद रखना बिज़नेस के लिए, पर्सनल नहीं, तो आप उसे संभाल के रखिए उन डॉक्यूमेंट्स को, जिससे कि आगे चल के हम उनको वेरीफाई कर सकें। नेक्स्ट कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। According to this concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into an obligation to receive the amount has been established. अब फिर से वही टेक्निकल लैंग्वेज, बच्चों को लगा पता नहीं क्या है ये, इसे समझते हैं हम ज़रा। अभी बच्चों आपने सुना होगा कि एक कार आई है Hyundai की, वेन्यू बहुत अच्छी है, बेस्ट इन क्लास है, बहुत सस्ते प्राइजेज़ में अवेलेबल है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, तो एकदम से बुकिंग आने लगी है इस कार की। आप सपोज़ आप उससे बुक कराने जाते हो वेन्यू को, तो जून 2019 में आप बुक करा रहे हो उसको, ठीक है, आपने बुकिंग अमाउंट कुछ पे कर दिया, बट उन्होंने बोला है कि डिलीवरी जनवरी में मिलेगी 2020 में, और ओनरशिप भी तभी ट्रांसफ़र होगी। तो जब बच्चे ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, यानी ऑब्लिगेशन टू रिसीव इसको बोलते हैं, ओनरशिप जब ट्रांसफ़र होगी तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा, चाहे आपने पूरी पेमेंट पहले कर दी हो या एडवांस बुकिंग अमाउंट पे करा हो। जब तक ओनरशिप पेपर वर्क जिसे कहते हैं, ओनरशिप जो मेन डॉक्यूमेंट की डील है, वो जब तक नहीं होती तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड नहीं माना जाता है, चाहे आपने टोकन मनी 1 रुपया एडवांस दिया है या आपने पूरी फुल पेमेंट कर दी है। जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी ओनरशिप, यानी ऑब्लिगेशन टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं होगी, तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज़ किसी शोरूम में मुकेश अंबानी पहुंच जाते हैं और उनको ये अपने एम्प्लॉई के लिए पसंद आ जाती है, वो कहते हैं कि भाई मैं कैश तो नहीं दूंगा और ओनरशिप मुझे अभी ट्रांसफ़र करानी है। तो अब मुकेश अंबानी इतनी बड़ी हस्ती है कि कोई शोरूम वाला मना नहीं कर सकता, उनको पता है कि पैसे तो आने ही आने हैं, तो हो सकता है कि वो शोरूम वाला ओनरशिप पहले ही ट्रांसफ़र कर दे, पेपर वर्क सारे तैयार कर दे और बोले कि डिलीवरी सर बाद में मिलेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है और जो थोड़े बहुत बन गई थी कारें वो हमने बुक कर दी हैं किसी और के नाम पे, तो सर आपको डिलीवरी हम जून में ही दे पाएंगे, 2020 में ही देंगे। इस केस में ओनरशिप हमने पहले ही ट्रांसफ़र कर दी, पैसे अभी मिले नहीं हैं, तब तो इस केस में जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है वो जून 2019 में ही इस्टेब्लिश हो गया है, तो हम उसे बोलेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड हो गया वो जून 2019 में, जबकि अभी पैसा मिलना है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन टू रिसीव जो है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र जो है, जो पेपर वर्क है, वो पहले हो गया है, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन टू रिसीव, वो इस्टेब्लिश पहले ही हो गई है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड पहले ही हो गया है, चाहे पेमेंट बाद में होगी, ठीक है बच्चों।
एक और कंसेप्ट है मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल इफ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव। बच्चे यहाँ पे मटीरियल का मतलब है रियलिस्टिक, ऑथेंटिक, जिस पे विश्वास किया जा सके, ठीक है। मटीरियल का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है बिल्कुल भी, तो मटीरियल का मतलब ऑथेंटिक या रियलिस्टिक, जिस पे हम विश्वास कर सकें। तो अकाउंट्स में हमें सारी वो इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए जो रियलिस्टिक हैं, ऑथेंटिक हैं, बजाय उसके कि कुछ भी अनाप शनाप अमाउंट दिखा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के बेस पे, अप्रोक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे एक एंटरप्राइज़ का टर्नओवर ही 10 लाख है और बोलता है कि मैं 9,50,000 सैलरी दे देता हूँ लोगों को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 लाख का टर्नओवर है तो 9,50,000 वो सैलरी ही दे रहा है लोगों को, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो फेक चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वही हमें अकाउंट में शो करनी चाहिए। तो बच्चों ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 का वेट करें, जब तक इसको आप 2 या 3 बार रिवाइज़ करें।